दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी रेल में यात्रा जरूर की होगी और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, रेल के फ्रंट साइड में, सामने साइड में कुछ यूनिक कोड लिखे होते हैं, जैसे WDM, WDP, इस तरह से कुछ यूनिक कोड लिखे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस कोड का मतलब क्या होता है? आप में से 99% लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस यूनिक कोड का बहुत ही सीक्रेट मतलब होता है और इस कोड को वहाँ का गार्ड ही सिर्फ समझ पाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस यूनिक कोड का मतलब क्या होता है। आगे से जब भी आप किसी ट्रेन पे ऐसा लिखा देखेंगे तो आप यह पता कर पाएंगे यह मालगाड़ी है, यह एक्सप्रेस है, यह डीजल इंजन है, यह तेल इंजन है। आप इजीली पता कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद और आप देख रहे हैं प्रजापति यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं। और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और आपको जाना है नीचे कमेंट सेक्शन में, एक प्यारा सा कमेंट करना है और आपको यह भी बताना है आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते थे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी यात्रा करनी होती है तो भारतीय रेल को हम बहुत ही आसान रास्ता मानते हैं। ट्रेन का सफर अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता और आरामदायक भी होता है। आज हम आपको ट्रेन के इंजन के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा ट्रेन के इंजन के आगे एक यूनिक कोड लिखा होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप गौर करना, आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें अल्फाबेट के साथ एक नंबर लिखा होता है। इन अल्फाबेट और नंबर का अलग अलग मतलब होता है। इंजन पर लिखे इस यूनिक कोड से ही उस इंजन की सारी खासियत पता चल जाती है। मतलब इंजन डीजल से चलेगी या फिर बिजली से, मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी। इसके अलावा इंजन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में यह यूनिक कोड बताता है। मान लीजिए इंजन के आगे लिखा यूनिक कोड WDM3D है, तो इसके हर एक अक्षर का मतलब अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन दो तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ इंजन डीजल से चलते हैं और कुछ इंजन बिजली से चलते हैं। इन इंजन को नंबर के जरिए बांटा जाता है। पहला अक्षर। रेलवे में लाइन तीन तरीके की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन। रेलवे की भाषा में बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को मीटर गेज और संकरी रास्ते में डाली गई लाइन को नैरो गेज के नाम से जानते हैं। नैरो गेज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होता है। इनमें ब्रॉड गेज के लिए W, मीटर गेज के लिए Y, नैरो गेज के लिए Z का प्रयोग होता है। दूसरा अक्षर। दोस्तों, इसका दूसरा अक्षर यह बताता है कि इंजन किस चीज का यूज करके चल रहा है। जैसे अगर डीजल का यूज करता है तो D अक्षर का यूज होगा। इसी तरह के और भी कई इंजन के प्रकार हैं जो आप ऊपर लगे फोटो में देख सकते हैं। इन्हें इसमें दिए गए अक्षरों से ही अलग कैटेगरी में किया जाता है। तीसरा अक्षर। दोस्तों, इंजन पर लिखा तीसरा अक्षर आपको यह बताता है कि इस इंजन का यूज किसके लिए किया जा रहा है। अगर इंजन पर M लिखा है तो इसका मतलब कि इंजन का इस्तेमाल सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जिस इंजन पर G लिखा होता है उस इंजन का इस्तेमाल केवल मालगाड़ी के लिए ही किया जाता है। इसी तरह इसमें और कई प्रकार होते हैं। चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। दोस्तों, इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसकी पावर से होता है। इंजन कितने हॉर्स पावर का है इसे HP से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फोटो में 3D दिया हुआ है, जिसका मतलब 3300 हॉर्स पावर से है। इससे पहले के इंजनों में 2 लिखा हुआ आता था और उनमें 2600 हॉर्स पावर होता था। इसके अलावा और भी कैटेगरी इंजन की होती हैं, उनके हिसाब से उनका हॉर्स पावर अलग अलग होता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इंजन पर लिखे आगे यूनिक कोड का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।